आगामी गणेशोत्सव के मद्देनजर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और चंद्रपुर मंडल द्वारा विसर्जन स्थल पर की जा रही व्यवस्थाओं का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। आगामी गणेशोत्सव के मद्देनजर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और चंद्रपुर मनपा द्वारा विसर्जन स्थल पर की जा रही व्यवस्थाओं का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस समय मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने आवश्यक सुधार के निर्देश दिए और अगले 3 से 4 दिनों में पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। 7 सितंबर से गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है और बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले इस उत्सव में सार्वजनिक गणेश मंडलों द्वारा बड़े आकार और ऊंचाई की मूर्तियां स्थापित की जाती है। शहर में 300 से अधिक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है। इन सभी मूर्तियों के विसर्जन को एक ही स्थान पर सुविधाजनक बनाने के लिए चंद्रपुर मनपा ने पिछले साल नवंबर से दातला रोड पर राम सेतु पुल परिसर में एक बड़ा विसर्जन टैंक बनाने का काम शुरू किया था। बड़ी मूर्तियों को विसर्जित करने के उद्देश्य से निर्मित इस विसर्जन टैंक की क्षमता लगभग 30 लाख मीटर पानी और क्षेत्रफल 8147 वर्ग फुट है। 10 फीट ऊंचाई की मूर्ति का विसर्जन संभव है। इससे बड़ी मूर्ति होने पर विसर्जन में बाधा आ सकती है। एक समय में 2 बड़े वाहनों को खड़ा करने के लिए 2 अलग अलग मंच बनाए गए हैं और क्रेन की मदद से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन संभव होगा। इस समय आयुक्त विपिन पालीवाल, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटिल, नायब तहसीलदार जितेंद्र गाड़ेवार, आयुक्त रविंद्र भेलावे, उपायुक्त मंगेश खवले, कार्यकारी अभियंता विजय बोरीकर, रामनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक आसिफ रजा, सिटी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक प्रभावती एकुरके, यातायात शाखा पुलिस निरीक्षक प्रदीप कुमार पाटिल, जिला विशेष शाखा पुलिस निरीक्षक कंचन पांडे, सहायक आयुक्त संतोष गर्गिलवार, सिद्दीकी अहमद, जिला शांति समिति सदस्य सैयद रमजान अली, महावितरण प्रभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।